Archimedean spiral. अब हम पढ़ेंगे आर्किमिडियन स्पाइरल, आपके थर्ड यूनिट में आर्किमिडियन स्पाइरल को कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट, ये क्वेश्चन है जो आपके ज्यादातर आता है। कंस्ट्रक्ट एंड आर्किमिडियन स्पाइरल, constructing the Archimedean spiral of one convolution. One convolution given the radial movement of given the radial movement of the point P, point P during one convolution is 60 millimeter, and initial position of P as pole O is pole O. माने ये क्वेश्चन है, एक आर्किमिडियन स्पाइरल बनाना है जिसका एक आटा, एक चक्कर रेडियल मूवमेंट करे, और जो ऑफ द पॉइंट P ड्यूरिंग वन कन्वोल्यूशन, P जो पॉइंट है वो जो है उसका जो एक चक्कर है और उसका जो P पॉइंट जो है वो वहां से 60 mm इनिशियल पोजीशन है, और कन्वोल्यूशन स्टार्ट करना है इनिशियल पॉइंट P से ही स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि 60 mm का हमको जो है एक माने 6 cm की एक लाइन खींचनी है। आप देखिए ये मैंने जस्ट 6 cm लाइन खींची, सो दिस इज द O पॉइंट यू कैन से हियर, एंड दिस इज द A। अब जो 60 mm दिया है, इस 60 mm को हम 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 12 बराबर भाग में करेंगे। दिस यू कैन राइट हियर 6 इस तरह से हमने OA को 12 इक्वल पार्ट्स में कर दिया। अब इसमें हमने यहां से O से जो है हमने इसको एंगल में दे दिया है, जो इसको O को सेंटर मानते हुए 360 डिग्री हम इसको मेजर कर लेते हैं सपोज,
और इसको वापस अगेन OA को 12 इक्वल पार्ट्स में किया, इसी तरह से O सेंटर मानते हुए इसको भी जो है 360 डिग्री को हम 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 पार्ट इक्वल टू 30 डिग्री, तो हम इस तरह से ये 12 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। और अब हमने जो है P0 इसको इनिशियल पॉइंट से माना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि P से एक कन्वोल्यूशन जो एक पूरा चक्कर काटने के लिए हमने 12 पार्ट्स किए, डेढ़ चक्कर या 1.5 कन्वोल्यूशन करना था तो हम इसको 18 पार्ट्स में डिवाइड करते, और 2 कन्वोल्यूशन में इसको बनाना था आर्किमिडियन स्पाइरल तो हम इसको 24 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते, तो इस तरह से यू विल गेट 1 कन्वोल्यूशन और 2 कन्वोल्यूशन, इसी तरह से आपका आर्किमिडियन स्पाइरल जो कर्व है वो आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको 1 कन्वोल्यूशन में पूरा कंप्लीट करना है, दैट्स व्हाई वी डिवाइड ए ओ इन 12 इक्वल पार्ट्स, और अगेन इसको जो है 30-30 डिग्री में 360 मानते हुए इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो अब हम जो है तो 1 जो है हम ये लेते हैं यहाँ से, सपोज P1 से हमने लिया, दिस इज P1 और ये हमने इसको यू कैन राइट हियर 1-2, ठीक है ना, तो 3-4-5-6-7-8 9-10-11 हमने PO को 1 से लिया और 1 वाले लाइन पे काटा लाइक दिस, सो यू कैन राइट हियर P1, अगेन P2 लिया प्रकार से लिया हमने P2 लाइक दिस, हमने P2 लिया और सेंटर पर रखते हुए P2 पे काटा समवेयर एट, ये यू कैन राइट हियर P2, P3 पे लिया और हमने 3 पे काटा P3 यू कैन राइट हियर, P4 लिया और 4 पे काटा P4, P5 हमने लिया और 5 पे काटा P5 यू कैन राइट हियर, P6 और 6 पे हमने काटा समवेयर हियर P6, P7 और 7 से हमने काटा P7 लेकर के 7 से हमने काटा समवेयर हियर, सो P8 P9 P10 P11 जो 11 का ये यहाँ समझ लिया, यू कैन राइट हियर P7 P8 P9 P10 एंड P11। अब हमने क्या करना, PO से मिलाते हुए हमको P1 P2 P3 ये फ्री हैंड से हमको अप टू 12 तक हमको मिलाना है लाइक दिस, आप देखिए यहाँ से मैंने कर्व स्टार्ट किया, ये फ्री हैंड से मिलाते गए get a sharp cut that is the Archimedean spiral, यही आपका Archimedean spiral है और इसको हम इस तरह से बनाते हैं, वही है जो वो है आपका एक दिया हुआ है भाई पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 60 mm दिया है, उसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, O से हमने वापस उसके सारे एंगल बना करके 360 मानते हुए 12 इक्वल पार्ट्स में किया और इस तरह से 1-2-3 अप टू 12 तक हमने इसको डिवाइड किया। उसके बाद में P1 P2 P3 अप टू P12 हमने जो है उसी तरह से जो है जैसे PO लाइक PO1 PO2 और ये मेजर करते हुए हमने इसी तरह से 1-2-3 P1 P2 P12 दिया और इस तरह से यू विल गेट ए शार्प कर्व दैट इज द आर्किमिडियन स्पाइरल। ओके।